Again, tax, 100 marks का भी एक जब आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में कितने चैप्टर्स आते हैं इंटर लेवल पे नो no डाउट आपको पंद्रह से सोलह टॉपिक रहे होंगे फाइनल लेवल पे अराउंड फोर्टी थ्री टॉपिक 43 टॉपिक्स है सीए फाइनल डायरेक्ट एक्सेस में और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो प्लस राइटिंग प्रैक्टिस हो प्लस आप टोटली totally अमेंडेड हो तो ये वीडियो मे 21 वन नवंबर ट्वेंटी वाले बच्चे जरूर देखें जो बच्चे पेन ड्राइव लेना चाहते हैं गूगल ड्राइव लेना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा सबसे पहले बात करें तो क्या May 21 के मुझे कई दिनों से इंक्वायरीज आ रही थी बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम लोग अभी से लेक्चर ले लें ले, जो आपने नवंबर ट्वेंटी के लिए रिकॉर्ड किया है प्लस अमेंडमेंट हम लोग अलग से देख लेंगे मैं बता दू बिल्कुल ऐसा मत करना उसके तीन रीजन रीजन नंबर वन नवंबर 20 के लिए जो भी आप टीचर के लिए रिकॉर्डिंग लोगे वो सभी फाइनेंस एक्ट 19 से अपडेटेड होंगे जबकि मई 21 और नवंबर 21 के लिए आपको फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है पॉइंट एक पॉइंट दो जो नवंबर 20 यू नो नवंबर 20 के एग्जामिनेशन थे इसके ऊपर आपको फाइनेंस एक्ट 19 के अमेंडमेंट्स के साथ साथ उस ईयर के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थे पर मे 20 की अगर बात करूं तो अराउंड 104 अमेंडमेंट 104 यू फोर हर्ड इट राइट अराउंड 104 अमेंडमेंट्स है जो आपको फाइनेंस एक्ट 20 ने दिया है प्लस कोविड 19 के सिचुएशन में हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल ऑर्डिनेंस आ जाए एज अ पार्ट ऑफ रिलीफ मेजर सो अभी से आप ले लेंगे तो नुकसान आपका है तीसरी बात सर आपका असेसमेंट ईयर जो होगा ये चेंज हो चुका होगा जो नवंबर 20 वाले बच्चे हैं जो नवंबर 20 के पेनड्राइव से प्रिपेयर कर रहे हैं उनका असेसमेंट ईयर डिफरेंट होगा जबकि आपका असेसमेंट ईयर जो मे 21 नवंबर 21 दे रहे हैं इनका असेसमेंट ईयर डिफरेंट होगा हेंस अर्ज कि सभी बच्चे जो मे रहे हैं वो रुक जाए हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इन जुलाई 20 आपने सही सुना जुलाई 20 में मेरे डायरेक्ट एक्सेस के लेक्चर आ जाएंगे तो आप जुलाई 20 से इसे बाय कर सकते हैं कई बच्चे हैं जो अभी विशाल सर का जीएसटी ले रहे हैं और वो बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर क्या हम कॉम्बो ऑफर ले सकते हैं क्या मैं आपको बता दू कॉम्बो ऑफर आप बिल्कुल ले सकते हो कॉम्बो ऑफर के लिए आप अभी विशाल सर का जीएसटी ले, ले लीजिए प्लस डी जब जुलाई में आएगा तब आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा सो वेन आर इट्स जुलाई ट्वेंटी आपको मिल जाएगा अगर हम कुछ बात करें जो बच्चे आज मैक्सिमम जब कोविड 19 का सिचुएशन है तो मैक्सिमम बच्चे वुड बी ऑप्टिंग फॉर ईदर गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव और दी वर्चुअल सेंटर्स मैं लेक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं जिससे आपको हेल्प हो जाएगी लेक्चर को डिसीजन लेने में पहला सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं ये सारे वो क्वेश्चन थे जो हर बार मुझे स्टूडेंट्स मिलते थे पूछते थे मैंने इसका एक पूरा का पूरा पीपीटी बना दिया मैं सोचा एक ही बार में सब कुछ डिस्कस कर ले पहला सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं पिछले रिकॉर्डिंग को अगर मैं देखूं तो अराउंड 70 75 लेक्चर्स हुए थे इस बार भी मुझे लगता है सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव लगेंगे ही कंसीडरिंग द अमेंडमेंट्स सर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा एज ऑफ नाउ इंग्लिश एंड हिंदी बट साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स के स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोग इंग्लिश के लेक्चर्स भी लेकर के आएंगे definitely. अगर मैं तीसरी बात करूं ये जो लेक्चर्स आप जुलाई ट्वेंटी के अंदर में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कौन से अटेम्प्ट के लिए अमेंडेड होंगे ये मे ट्वेंटी वन एज वेल एज नवंबर ट्वेंटी वन के लिए अमेंडेड होंगे सर पैटर्न क्या होगा आई मीन ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस किसके लिए होगा ये एज ऑफ नाउ हम इसे न्यू सिलेबस के लिए रख रहे हैं हालांकि ओल्ड सिलेबस वाले भी देख सकते हैं मैंने टॉपिक के अंदर ही बताया है कौन सा टॉपिक उनको एप्लीकेबल एप्लीकेबल है कौन सा टॉपिक उनको नहीं है तो ओल्ड सिलेबस वाले भी इसे देख पाएंगे बहरहाल मे 21 देने वाले मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट न्यू पैटर्न के होंगे सो न्यू सिलेबस वाले इसे कंफर्टेबली ले पाएंगे सर so, ड्यूरेशन क्या होगा हर लेक्चर का कितने आवर्स के एक लेक्चर होते हैं डायरेक्ट एक्सेस है टॉपिक्स है अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन एंड सर्क्यूलर थ्री टू थ्री एंड हाफ आवर ईच संडे के लेक्चर्स हो सकते हैं आपको कुछ ज्यादा सर। सर, वैसे तो जो हो रही है, 20 के में सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है बट फिर भी कई अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जो एज इंक्लूड नहीं हुए हैं और आरटीपी टीपी इसे बाद में लाती है या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से इसमें कुछ चेंजेस आते हैं कुछ नोटिफिकेशन आते हैं तो हम लोग हर बार ये लेक्चर्स के साथ साथ अमेंडमेंट अमेंडमेंट की डेट्स भी आपको बता देता हूं, ताकि अगर अगर कोई कोई लेक्चर आप देख रहे हैं और अगर कोई आ जाता है, तो कोई ना जो यूट के ऊपर फ्री होगा प्लस इसके जो नोट्स होंगे ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल होंगे आप यहां से कर लेंगे। वैसे ये लेक्चर्स पूरे के पूरे अपडेट होंगे स्टिल कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नवंबर से मई में, में आते हैं उनके लिए फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो हमें वैसे भी अमेंडमेंट लेक्चर रिकॉर्ड करना होता ही है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो बच्चे नवंबर 21 के लिए ये बाय करेंगे क्योंकि कोविड 19 है हमेशा बच्चा सोच रहा है कि मैं फटाफट फटाफट प्रिपेयर कर लूं नवंबर 21 के लिए आपको बता दूं सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम सारे रूल्स एंड नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होते हैं तो नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए हम लोग सप्टेम्बर के अंदर में अमेंडमेंट वीडियो लेकर के आएंगे और आप उससे देख सकते हैं ये दोनों भी अमेंडमेंट वीडियो टोटली यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे आप वहां से देख सकते हैं बातें बच्चे एक और चीज पूछते हैं सर मुझे कौन कौन सी बुक्स है जो यहाँ पे मिलने वाली है इसका मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दू डी चार मॉड्यूल के अंदर में हमने डिवाइड किया है इंस्टीट्यूट ने भी किया है चार मॉड्यूल के अंदर में डीटी डिवाइडेड है प्लस आपको मिलेगा इसके साथ साथ क्वेश्चन एयर मैं सभी के ऊपर डिटेल डिस्कशन ले रहा हूं मैं सिर्फ आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है सबसे पहले आपको मिलेगा मॉड्यूल मॉड्यूल के बाद मिलेगा आपको क्वेश्चन एयर

हम हंड्रेड परसेंट कंसेल बेस्ड प्लस क्लास के अंदर में मोर देन थ्री हंड्रेड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं आई रिपीट हम क्लास में मोर देन थ्री हंड्रेड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं बाकायदा साथ साथ में मैं रिटर्न नोट्स बनवाता हूं जिन बच्चों ने मेरे साथ आईपीसीसी किया है उन्हें ऑलरेडी पता है कि कितने बार रिविजन होता है कितना लिखना होता है सारी चीजें फाइनल में भी एज इट इज है बहरहाल फर्स्ट मॉड्यूल पूरा का पूरा असेसमेंट कवर करता है बहुत ही रोमांचक मॉड्यूल रेड सर्च सीजर असेसमेंट अपील ये सब कैसे होती है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी डायरेक्ट टैक्स का कोई काम ही नहीं किया होगा अपने आर्टिकलशिप में राइट ऐसे लोगों के लिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन वो सारी चीजें इसके अंदर में कवर्ड है

पेनल्टीज रिलेटेड देयर टू वो सारे के सारे इस मॉड्यूल के अंदर में कवर किए जाते हैं अगेन अराउंड 200 हंड्रेड टू टू पेजेस का होता है मल्टी कलर बुक होता है जो स्मार्ट का हमेशा से पॉलिसी रहा है और यहां आपको कंप्यूटेशन सीखने को मिलता है वैसे आपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा बट आपको करीब तीन से चार साल हो चुके होंगे पीजीबीपी कैपिटल गेन जैसे चैप्टर पढ़े हुए अगेन आपको जीरो से पढ़ने की जरूरत है वो यहाँ पे करवाया जाता है अगर मैं थर्ड मॉड्यूल की बात करूं तो ये एक ऐसा मॉड्यूल होगा जो आपको टोटली नया होगा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जैसे कि जब आप इंटर या आईपीसीसी में थे तब तक आपने सिर्फ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स प्लानिंग और ट्रस्ट ऐसे कई एसोसिएशन पर्सन के डेफिनेशन एंड टैक्स लाइबिलिटी अंदर में क्या किया जाता है कवर किया जाता है राइट करीब 200 पेज का बुक होगा मल्टी कलर बुक सारे अमेंडमेंट्स प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर में कवर किए गए हैं। अगर हम फोर्थ मॉड्यूल की बात करें तो मैं आपको बता दूं पहले तीन मॉड्यूल करते हैं डी टी सेवेंटी इंटरनेशनल टैक्स थर्टी इस मॉड्यूल की एक और खास बात है यहां के टॉपिक एग्जैक्ट इट इज आपके पेपर सिक्स इंटरनेशनल टैक्स के जैसे हैं राइट right? अप्रोच डाउट no थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे वही सो so, एक और हेल्प होती है कि आप डीटी के साथ साथ इंटरनेशनल टैक्स सिलेक्ट कर ले इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं डी टी डबल इशू टैक्स इशूज ट्रांसफर प्राइजिंग इशूज इक्वलाइजेशन लेवी और बहुत सारे चेंजेस फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ने

क्योंकि यहां आपको आपका माइंड बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा डोंट वरी यहां पे आपको ऐसे एमसीक्यू नहीं मिलेंगे सिर्फ जो थेरी बेस्ड होंगे यहां एमसीक्यू थेरी बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पांच छह सेक्शन को मिला के एक सेक्शन पूछा हुआ कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन लाए हुए और इस तरीके से आपको अलॉन्ग विदर्स एमसीक्यू बुक करीब दो हजार एमसीक्यू हम लोगों ने कंपाइल किए हुए हैं जिसमें ईजी हार्ड एंड टफेस्ट लेवल वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने चेक किया हुआ है चौथी बात करूं तो आता है क्वेश्चन एयर क्वेश्चन एयर एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मैंने यू you नो know, और और प्रैक्टिस करनी करनी चाहिए चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर मेहनत इसके लिए क्वेश्चन बैंक लाया जाता है ताकि उस बच्चे को क्लास में जो 300 350 प्रॉब्लम है उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक से मिल सकते हैं राइट क्वेश्चन एयर के अंदर में प्रैक्टिस मैनुअल्स ओल्ड कंपाइलेशंस, कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स, कुछ बेस्ट इन क्लास अमेंडेड प्रॉब्लम्स वो सारी चीजें इसके अंदर में कवर होती है करीब 200 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग इसके अंदर में कवर करते हैं एंड सब कुछ इंक्लूडिंग आईसीआई मटेरियल इसके अंदर में कवर हो जाता है एक और सर मान लीजिए अगर मैं पेन ड्राइव लेता हूं गूगल ड्राइव लेता हूं तो किस तरीके से मेरी क्वेरी सॉल्व होगी क्योंकि लाइव के अंदर में तो बच्चे हमसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सर ये क्वेरीज है हमारी क्वेरी किस तरीके से सॉल्व होगी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हम रह रहे हैं एक ऐसे एरा में जहां टेक्नोलॉजी आपको और मुझको कनेक्ट करती है व्हाट्सएप मैं आपको हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा जो आपके डाउट्स होंगे क्लास के दौरान किसी टॉपिक के अंदर में आप ये डाउट्स अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे मैं आपको बता दूं इस, इस क्वेरी को इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं

सर पीडी के बारे में अगर हम बात करें सिंस कोविड नाइनटीन की सिचुएशन को तो देखते हुए कुरियर सर्विसेज अब ओपन हो चुकी है नंबर ऑफ यूज कितने होते हैं सर सर नंबर ऑफ यूज है 1.5 1.5 मतलब थ्री आवर्स का लेक्चर है तो इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज द टोटल आवर्स लेकिन आप ऑलरेडी एक आदि पी डी तक के देख चुके होंगे लेक्चर देख चुके होंगे आपको भी पता है जिस स्पीड से देखते हो एटलीस्ट आपका दो बार देख करके हो जाता है सब्सटैंशियली सब्सटैंशिय राइट सर वैलिडिटी कितनी होती है जब से आपने एक्टिवेट किया जब से आपने एक्टिवेट किया वहां से सिक्स मंथ सो से आप बाय कर लेते हैं अभी जुलाई के अंदर में या विशाल सर के साथ आप कॉम्बो ले लेते हैं डी का तो आपने दिसंबर के अंदर में क्या किया होगा एक्टिवेट किया होगा तो डिसंबर से सिक्स मंथ आपको क्या किया जाएगा काउंट किया जाएगा सो so, अगर ऑफर चल रहा होगा तो मैं कहूंगा आप बिंदास ले लेना और बाद में एक्टिवेट करवा लेना राइट right? सर क्या व्यूज इंक्रीज किए जा सकते हैं आई I मीन mean, 1.5 से क्या 2 किए जा सकते हैं आंसर इज नो व्यूज इंक्रीज नहीं हो सकते, हो सकते वैलिडिटी एक्सटेंड सकती है पर व्यूज इंक्रीज नहीं हो सकते कुछ और बातें सर क्या बुक्स किस तरीके से मिलेंगी अभी कोविड 19 के सिचुएशन के अंदर में किस तरीके से बुक्स मिलेंगी वैसे मैं आपको बता दूं इस बार हमारे पास में दो ऑप्शन हम लोगों ने रखे थे कोविड 19 में जो नवंबर 20 वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए हमने दो ऑप्शन रखे थे उनको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ और उन लोगों को अगर आ, फिजिकल प्रिंट चाहिए तो फिजिकल प्रिंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे बट यू नो मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि प्लीज फिजिकल प्रिंट लीजिए क्योंकि पीडीएफ के साथ साथ आप कहा इतने प्रिंट निकालते बैठेंगे क्योंकि आपने देख लिया नंबर ऑफ बुक्स अगर देखे तो मॉड्यूल अराउंड हजार पेजेस पे चल जाते हैं क्वेश्चन एमसी एमसीक्यू है सो so मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि गो फॉर फिजिकल बट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑफ कोविड आप ये देख सकते हैं साथ साथ में बुक जब भी आप सिलेक्ट करेंगे या पीडी या गूगल ड्राइव जब भी सिलेक्ट करेंगे मैं आपसे कहूंगा कि आप होम डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करें होम डिलीवरी ऑप्शन इसलिए क्योंकि क्या होता है जब हम लोग जुलाई के अंदर में लेक्चर रिकॉर्ड करना चालू करेंगे सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको चारों के चारों मॉड्यूल प्रोवाइड कर दिए जाएं और फिर धीरे से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू को अपडेट करके आपको भेजते रहते हैं अगर आप होम डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसका फायदा यह है जब भी यह बुक होगी हो सकता है आप को जब पहले लेक्चर दिए जाए पहला शिपमेंट आपको पार्ट पार्ट में आए लेट से पहले लेक्चर फिर आपके घर तक के पहुंच जाएगी अगर मैं आगे की बात करूं कि सर क्या के अंदर में लाइव बैच हो सकता है हम लोगों ने इसके पहले भी लाइव बैच किया था और अब भी हमें लाइव बैच करने का कोई ऑप्शन है क्या सी एज ऑफ नाउ जब लॉकडाउन चल रहा था तब तक के तो सिचुएशन थोड़ी सी टफ थी बट हां जुलाई के अंदर में हमारा लाइव बैच होगा इसकी सारी डिटेल की जुलाई में कब से चालू हो रहा है किस टाइमिंग पे रहेगा और क्या रहेगा आपको वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा जो भी व्यक्ति लेक्चर बाय करना चाहता है या इसके बारे में कोई डिस्कशन करना चाहता है या और डिटेल पता करना चाहता है यू आर वेलकम ऑन वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम अभी सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बता दूं क्या इसके ऊपर कोई ऑफर मिलेगा क्या यस डीटी आईडी कॉम्बो में हमेशा एक ऑफर होता है वी स्मार्ट के अंदर में और आप ये कॉम्बो का ऑफर अभी भी ले सकते हैं आज आप अगर बाय कर रहे हैं विशाल सर का या आप बाय करना चाहते हैं विशाल सर का कॉम्बो साथ साथ में डी टी सिलेक्ट कर लीजिए एज ऑफ नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर अटेम्प्ट मे 21 और नवंबर 21 जो आप वी स्मार्ट अकेडमी की वेबसाइट से सिलेक्ट करेंगे वहां एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है आपको डिलीवरी बाद में मिलेगी मतलब आप अभी आईडीटी देखना शुरू कर देंगे और न्यू फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर जो जुलाई ट्वेंटी के अंदर में रिकॉर्ड होंगे वो आप क्या करेंगे बाद में देख पाएंगे सो so, अल्टीमेटली अगर आप मुझसे एक सवाल पूछे कि क्या मे 21 हमारा अटेम्प्ट क्या हम नवंबर ले लें ले और साथ साथ में अमेंडमेंट बाद में कर लें क्या ये सही ऑप्शन है इज इट अ गुड ऑप्शन और नॉट मैं आपसे कहना चाहूंगा नो इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन आप लोग बिल्कुल फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर लीजिए वो ज्यादा बेटर होंगे आप लोगों से साथ ही साथ जितने भी वी स्मार्ट सेंटर है आप वहां जाकर के भी लेक्चर देख सकते हैं वहां जाके लेक्चर कॉपी करवा सकते हैं ये एक ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है बट मैं आपसे कहना चाहूंगा प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर लीजिए क्योंकि 104 अमेंडमेंट है और कोविड 19 के सिचुएशन में हो सकता है कोई ऑर्डिनेंस और एक्स्ट्रा आ जाए सो तो जितने फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा प्लीज फील फ्री अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे नंबर पे कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो में जरूर चेक कर लेना इसमें और डिटेल्स आपको मिल सकती है राइट सो दिस वाज विजय सारडा थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड आपके जितने दोस्त रिश्तेदार भाई बहन जो फाइनल के लेक्चर देख रहे होंगे पेपर सेवन के आप उनको ये वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिए थैंक यू सो मच